अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें। सर्वप्रथम, जैसे कि आपने देखा, एक कदम शिक्षा की ओर, हमारे पास ये मुद्दा है कि एक कदम शिक्षा की ओर आजकल के बच्चे बहुत ही प्रेशर झेल नहीं पाते। मैंने 4 दिन पहले एक खबर, एक न्यूज़ पढ़ी कि एक बच्चे का IIT क्लियर नहीं हो पाया, उसने मुंबई में अपने रूम में सुसाइड कर, ताकि हम अपने बच्चों को भी ये समझा पाएं कि ऐसी स्थिति ना आए, हमारे ऊपर ऐसी चीज़ें ना बीते। अगर वो साहित्य से जुड़ जाते, अगर वो इस कवि सम्मेलनों से जुड़ जाते, अगर वो हिंदी की वाचिक परंपरा से जुड़ जाते, तो शायद वो बच्चा ऐसा कदम ना उठा पाता। आदरणीय उन्मेलेश जी की मुझे 2 पंक्तियाँ याद आती हैं कि बेवजह इस दिल पर कोई बोझ ना भारी रखिए, बेवजह इस दिल पर कोई बोझ ना भारी रखिए, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए। अगर ये दो पंक्तियां उस बच्चे के मन में उतर जाती तो शायद वो ऐसा कदम उठाने में 10 बार सोचता। तो एक हार से हमारा ये सुनिश्चित नहीं होता कि हम हार गए हैं। आपको याद होगा कि जिस प्रकार से हम ध्यान केंद्रित करते हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं एक कदम शिक्षा की ओर, जिस हिसाब से हम आज के हम देखते हैं हमारे बुजुर्ग, हमारे मम्मी पापा अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कार्य उसमें पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। वो ध्यान केंद्रित क्यों हो पाता है, मैं उसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जब हम छोटे थे तो हम एक टायर उठाते थे, टायर लेके वो पूरे गांव में हम दौड़ते रहते थे और वो टायर तब तक नहीं गिरता था जब तक हम नहीं चाहते थे, हम उस टायर को गिरने नहीं देते थे। वो होते हैं कॉन्सेंट्रेशन। आज के बच्चों को हमने सिर्फ अपने स्मार्टफोन पकड़ा दिया है, आप खेलिए, आप पबजी खेलिए, आप व्हाट्सएप चलाइए, हमने उनको टायर, कंचे, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाती है बच्चों का। सामने साइकिल आ रही है, ट्रैक्टर आ रहा है, नहीं, वो टायर पूरे गांव में घूम के आएगा तब जाके घर पे आएगा। एक 21, 22, 24 इंच की साइकिल होती थी, आपको याद होगा, जिम्मेदारियों का एहसास। आजकल के बच्चे जिम्मेदारियों का एहसास नहीं कर पाते। मैं छोटा मुँह बड़ी बात होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि साइकिल होती थी तो हम साइकिल पहले निकालते थे जब बचपन में छोटे होते थे, फिर कहते थे गिरी, पकड़ी, फिर धीरे धीरे उसके अंदर पैर डालते थे, कैंची चलाते आगे जाते थे, एक डंडा होता था एक हाथ में, ये होती थी। फिर धीरे धीरे ऊंचाई ढूंढते थे कि गद्दी पे बैठ के चलाएंगे। फिर धीरे धीरे घर वालों को पता चल जाता था कि अब इसे साइकिल चलानी आ गई है, तो हमें गेहूं का बोरा पकड़ा देते थे कि जाओ अब ये जाओ आटे की चक्की पे जाओ और ये गेहूं का पिसवा के आओ, आटा गेहूं पिसवा के आओ। तो वहां से उस बच्चे को जिम्मेदारी का एहसास होता था कि हाँ अब ये हमारे जिम्मेदारी धीरे धीरे दी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हमने कहीं ना कहीं खो दी हैं। अब एक छोटी सी साइकिल आ गई है, 4 पहिए लग गए हैं, हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था। शायद तभी हम और उनसे, हमारे और बच्चों में यही अंतर हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले अपने बच्चों को स्मार्टफोन से दूर करें। हालांकि मैं खुद दूर नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप बच्चों से दूर रखें। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए और मैं कार्यक्रम को आगे की ओर ले जाता हूँ। हमारे बीच देश के युवा कवि होते हैं, कवि कुशल कुशवाहा जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। और ऐसे कवि हैं जो गाजियाबाद की धरती से, उत्तर प्रदेश की धरती से आते हैं, जो अलग अलग राज्यों में, पूरे देश में अपनी हास्य व्यंग की कविताओं से चिर परिचित हैं। और मुझे एक कहानी याद आ रही है, इससे पहले मैं भैया को बुलाऊं यहाँ पे, मुझे एक कहानी याद आ रही है कि एक बच्चा स्कूल से आता है, अपना बैग उधर फेंकता है, जूता उधर फेंकता है, टाई उधर फेंकता है, टीवी चलाता है, पोगो लगाता है और टीवी देखने लगता है। सामने उसकी दादी सब्जियां काट रही होती, बाबूजी सब्जियां जब काट रही होती है तो उसकी दादी बोलती है कि अरे बेटा कभी हमसे भी बात कर लिया करो, हमेशा टीवी में ही लगे रहते हो, हमेशा पोगो ही देखते रहते हो। तो बच्चा भी, आजकल की जनरेशन भी बहुत तेज है, और आजकल की जनरेशन में तो मैं बताऊँ 21वीं सदी में तो बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे साहब, हमारे बाप ही पैदा हो रहे हैं जितने भी हो रहे हैं। वो कल एक बच्चा मुझे मिला, मैंने पूछा बेटा कहाँ पे पैदा हुए थे, बोला महाराष्ट्र में। मैंने कहा बेटा स्पेलिंग बताओ, कह रहा अंकल फिर तो गोवा में पैदा हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये स्थितियाँ आ रही हैं कि हमारे तो आजकल बच्चे पैदा नहीं हुए, हमारे तो बाप पैदा हो रहे हैं। तो वो बच्चा स्कूल से आया, बैग इधर फेंका, टाई इधर फेंकी, बस्ता जूते कहीं और फेंके, टीवी ऑन किया, पोगो चालू किया और पोगो चलाने लगा। दादी सब्जी काट रही थी बगल में बैठ के, दादी ने कहा कि
बेटा कभी हमसे भी बात कर लिया करो, हमारे पास भी आ जाया करो, बैठ लिया करो थोड़ी देर। बच्चा भी बड़ा चलाक निकला 21वीं सदी का, तुरंत टीवी बंद किया, कह रहा दादी आज आपसे ही बात करूंगा। पहला प्रश्न उसने मारा दादी के ऊपर, उसने पूछा दादी आखिर कब तक हम इस घर में 6 लोग रहेंगे। दादी ने कहा बेटा कौन कौन से 6 लोग, कौन कौन से 6 लोग। तो उस बच्चे ने कहा कि दादी मैं, मेरी छोटी बहन, मैं, मेरी छोटी बहन, मम्मी, पापा, आप और ये बिल्ली। तो दादी कह रही कोई बात नहीं बेटा, कल आपके पापा कुत्ता ले आएंगे तो हम 7 हो जाएंगे। तो बच्चे ने, बच्चे का प्रश्न सुनिएगा, बच्चे ने कहा कि दादी फिर तो कुत्ता बिल्ली को खा जाएगा, हम तो फिर से 6 हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे। दादी ने फिर कहा, दादी कह रही बेटा फिर हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, हम फिर से 7 हो जाएंगे। दादी, बच्चे ने कहा कि दादी फिर छोटी बहन की शादी हो जाएगी, हम तो फिर से 6 हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे। दादी बड़ी परेशान, दादी ने कहा कि अब तो ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ेगा। दादी ने कहा बच्चे से कि बेटा फिर हम क्या करेंगे। दादी ने कहा बच्चे से कि फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी, हम 7 हो जाएंगे, हाँ तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो हम फिर से 7 हो जाएंगे। तो दादी, बच्चे ने कहा दादी मेरे बच्चे तो हो जाएंगे, 7 तो हो जाएंगे, लेकिन आप मर जाओगी, हम फिर से 6 हो जाएंगे। दादी ने कहा, दादी ने सब्जी एक तरफ रखी, कहा कुत्ते जाके पहले टीवी देख ले तू। तो एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें।